आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं जिसमें प्रैक्टिकल होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट कौन से होते हैं, और जो बच्चे नया अभी एडमिशन लेना चाहते हैं उनके मन में भी ये कंफ्यूजन रहता है कि प्रैक्टिकल वाला विषय लेना सही होता है क्या होता है। पूरा डिटेल में हम बात करेंगे, पार्ट वन में प्रैक्टिकल किस किस में होता है, पार्ट टू में क्या होता है, या पार्ट थर्ड में कैसे होता है, पूरा डिटेल में बात करेंगे। आप इसको अंत तक देखते रहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, एग्जाम ऐसे ही होता है, ध्यान रखिएगा। यानी कि पार्ट वन में ऑनर्स का दो को पेपर होगा, सब्सिडरी का दो को पेपर होगा और कंपोजिशन का एक को पेपर होगा। अब देखिए ऑनर्स या सब्सिडरी का जो, देखिए जिसमें प्रैक्टिकल होने वाला विषय होता है, अगर वो ऑनर्स में रहा तो ऑनर्स में प्रैक्टिकल होगा और सब्सिडरी में रहा तो सब्सिडरी में भी प्रैक्टिकल होगा। तो चलिए वो पहले सब्जेक्ट समझ लेते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल होता है। जैसे फिजिक्स आपका ऑनर्स लिए है तो ऑनर्स में ऑनर्स अगर होगा तो इसमें प्रैक्टिकल होगा केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, या आपका ऑनर्स में हो या सब्सिडरी में हो तो इसमें क्या होगा, इसमें प्रैक्टिकल होगा। अब इसमें ये आर्ट्स वाला बात करें, म्यूजिक, होम साइंस, ज्योग्राफी और साइकोलॉजी, ये चारों सब्जेक्ट रहेंगे तो इसमें प्रैक्टिकल होगा। इसमें ये सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल होगा। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट है, आर्ट्स वाले सब्जेक्ट हो गए, जैसे हिस्ट्री हो गया या पॉलिटिकल साइंस हो गया या कोई और हो गया, ये अलग अलग जो सब्जेक्ट होते हैं हिस्ट्री में, उसमें प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं होता है। अब ऐसे भी समझिए ना कि ये बस चार ही सब्जेक्ट होते हैं, देखिए म्यूजिक, होम साइंस, ज्योग्राफी और साइकोलॉजी, इसमें प्रैक्टिकल होते हैं। अब देखिए वैसे भी आपको समझ में आ जाएगा जब आपको क्वेश्चन मिलता है ना, देखिए क्वेश्चन मिलता है तो ये 100 नंबर का जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है वो आपको 100 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, और जिसमें प्रैक्टिकल होता है वो आपको 75 नंबर का, 25 नंबर प्रैक्टिकल होता है। तो आपको वो भी आपको प्रश्न भी देखकर जब एग्जाम देने जाएंगे ना, प्रश्न देखकर भी समझ जाएंगे कि इसमें प्रैक्टिकल होता है कि नहीं होता है। अब प्रैक्टिकल का मतलब होता क्या समझिए। अब हिस्ट्री में क्या प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल मतलब कुछ दिखाना होता है। प्रैक्टिकल का जब एग्जाम होने के बाद एग्जाम होता है, मान लीजिए जब ये 75 नंबर का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद फिर डेट डिसाइड होता है कि हाँ इस दिन प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, और ये सेंटर भी निर्धारित किया जाता है, वो तो कॉलेज के अनुसार होता है। प्रैक्टिकल में क्या होता है, कुछ दिखाना होता है। तो बताइए या फिजिक्स में मान लीजिए कोई प्रयोग करके दिखाएंगे, केमिस्ट्री में कोई प्रयोग हो सकता है, बोटनी, जूलॉजी, अब यहाँ पर म्यूजिक में कुछ बता सकते हैं, होम साइंस में कुछ दिखा सकते हैं करके, ये ज्योग्राफी में कुछ बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा होता है दिखा सकते हैं, साइकोलॉजी में दिखा सकते हैं। अब हिस्ट्री में क्या दिखाएंगे, हिस्ट्री में दिखाएंगे कि ऐसे प्रभाव पड़ता है, ऐसे होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसे तीर चलाया था या ऐसे तलवार चलाया था, ऐसे दिखाएंगे नहीं। तो हिस्ट्री में प्रैक्टिकल नहीं होता, प्रैक्टिकल उन्हीं विषय में होता है जिसमें कुछ दिखाना होता है। वो ऐसे भी देख लीजिए ना, ये सब्जेक्ट देख लीजिए। अब पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री में थोड़ा समझ लेते हैं कैसे कैसे क्या क्या होता है। मान लीजिए कि पार्ट वन में आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट लिया है जिसमें कि ऑनर्स आपका है जिसमें प्रैक्टिकल होता है, जैसे मान लीजिए ऑनर्स आपका ज्योग्राफी है, तो क्या होगा इसमें 75 नंबर का एग्जाम पेपर वन का होगा और 75 नंबर का एग्जाम पेपर टू का होगा। इसमें 75-75 क्योंकि 25 नंबर क्या होगा प्रैक्टिकल, और इसमें 25 नंबर प्रैक्टिकल और इसमें 25 नंबर प्रैक्टिकल होगा, दोनों होगा। और सब्सिडरी में आपका जो भी विषय रहेगा सब्सिडरी का एग्जाम होगा, उसके बाद फिर कंपोजिशन का। और नॉर्मली देखिए कंपोजिशन में बच्चे हिंदी या इंग्लिश लेते हैं या इंग्लिश लेते हैं, ये कंपोजिशन वाला में प्रैक्टिकल की ना की संभावना रहती है, क्योंकि अधिकतर बच्चे हिंदी और इंग्लिश ही लेते हैं, तो फिर इसमें प्रैक्टिकल कहां, हिंदी और इंग्लिश में प्रैक्टिकल कैसे होगा। अब सब्सिडरी में मान लीजिए कोई आपका विषय इसी में से प्रैक्टिकल वाला, तो प्रैक्टिकल होगा इस, देखिए तो सब्सिडरी में क्या होगा, पार्ट वन और पार्ट टू में सिर्फ प्रैक्टिकल होगा। मान लीजिए ऑनर्स में ऐसा सब्जेक्ट लिया जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, मान लीजिए ऑनर्स में हिस्ट्री ले लिया, ठीक है हिस्ट्री आपका है, और ये सब्सिडरी में ऐसा सब्जेक्ट को लिया जिसमें प्रैक्टिकल होता है, मान लीजिए सब्सिडरी में साइकोलॉजी ले लिया और एक पॉलिटिकल साइंस ले लिया, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस में तो होगा नहीं, पॉलिटिकल साइंस में तो ये प्रैक्टिकल नहीं होगा, लेकिन साइकोलॉजी में तो प्रैक्टिकल होगा। तो पार्ट वन पार्ट टू में यहाँ पर यही दोनों में। और वैसे भी समझिए ना, आप कॉलेज में जब जाते हैं ना फॉर्म भरने के लिए, जब एग्जामिनेशन फॉर्म होता है तो जब कॉलेज में आप जाते हैं फॉर्म भरने के लिए, तो आप उन टीचरों से बात क्यों नहीं करते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको पते नहीं होता है कि हमारा टीचर कौन है, तो बताइए ये तो दिक्कत वाली बात है ना। आप उन टीचरों से बात कीजिए, आप वहां पर पता लगाइए कि हमारा सब्जेक्ट का टीचर कौन है, किधर है वो टीचर, उनसे बात कीजिए कि हाँ ये कौन कौन से विषय में, इस विषय में क्या प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल का एग्जाम कब होगा, कैसे कॉपी बनाना है, क्या करना है, पूरा वो टीचर अच्छा समझाते हैं, लेकिन कोई बच्चा उनके पास जाता ही नहीं है। जब नहीं जाएंगे तो कैसे समझाएंगे। तो आप उन टीचरों से जाकर संपर्क कीजिए, जब आप कॉलेज में जाएंगे ना तो आप उन टीचरों से संपर्क कीजिए क्या कि सर इसमें प्रैक्टिकल होता है कि नहीं होता। अब ऐसे भी हम तो बता दिए कि इसमें इतना में प्रैक्टिकल होता है।
अब ये बात कर लेते हैं कि प्रैक्टिकल लेने से क्या फायदा होता है, प्रैक्टिकल वाला विषय लेने से क्या फायदा होता है। देखिए पहली बात तो विषय इस पर निर्धारित मत कीजिए कि इसमें प्रैक्टिकल है कि नहीं है, पहले खुद के इंटरेस्ट पर निर्धारित किया जाता है कि ये हमारा उस विषय में इंटरेस्ट है कि नहीं है। क्योंकि ग्रेजुएशन ही होता है जो डिग्री होता है उस पर लोग आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है। आगे कोई भी एग्जाम देना होगा, जैसे यूपीएससी का एग्जाम देना होगा, बीपीएससी का एग्जाम देना होगा, कोई भी इंटरव्यू देना होता है तो सवाल उसी से बनते हैं, ग्रेजुएशन से। ग्रेजुएशन में आपका ऑनर्स पेपर क्या है, ऑनर्स पेपर से ही सवाल बनते थे। जब भी ऑनर्स पेपर का चुनाव करना हो, इस बात से चुनाव मत कीजिए कि उसमें प्रैक्टिकल है तो ज्यादा नंबर मिलेगा और इसमें प्रैक्टिकल नहीं है तो कम नंबर मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं होता। जिसमें ज्यादा लिखेंगे, जिसमें ज्यादा पढ़ेंगे उसमें अच्छा नंबर मिलेगा, और नहीं पढ़ेंगे नहीं उसमें लिखेंगे तो कहां से अच्छा नंबर मिलेगा। तो इस बात से बिल्कुल मत ये डिसाइड कीजिए कि प्रैक्टिकल वाला विषय है ना तो ले लेते हैं ज्यादा नंबर मिलेगा, नहीं ऐसा बात कुछ नहीं होता। और वैसे भी ये थर्ड में क्या होता है, चार गो यहाँ पर ऑनर्स का पेपर होता है, तो अगर आपका प्रैक्टिकल वाला विषय होगा तो चारों में प्रैक्टिकल होगा, और प्रैक्टिकल वाला विषय नहीं होगा तो नहीं होगा। तो वैसे भी देख लीजिए म्यूजिक, होम साइंस, जियोग्राफी और साइकोलॉजी, इसके अलावा किसी और में नहीं होता है प्रैक्टिकल, और इसमें ये वाला भी देख लीजिए। तो और हिस्ट्री में प्रैक्टिकल नहीं होता है, अगर हिस्ट्री ऑनर्स आपका है या हिस्ट्री सब्सिडरी में लिया है तो हिस्ट्री में प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं होता। तो यही होता है कि प्रैक्टिकल वाला विषय कौन सा होता है नहीं होता है, और ये समझना होता है। और एक और बात से आप समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि उसका क्वेश्चन देखकर आप समझ सकते हैं कि अगर 100 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है तो प्रैक्टिकल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, 100 नंबर सब ज्यादा थोड़े कोई विषय होता है, कोई भी विषय कभी भी आपको एग्जाम होता है तो 100 नंबर से कोई भी विषय थोड़े होता है अधिक, दो का पेपर होता है तो 100-100 नंबर का होता है, ये 100 नंबर ये 100 नंबर। अगर ये इसमें प्रैक्टिकल नहीं होगा, मान लीजिए हिस्ट्री का पेपर है तो 100-100 नंबर का मिलेगा, और यही प्रैक्टिकल है मान लीजिए जियोग्राफी है तो 75-75 नंबर का दोनों मिलेगा। तो कभी भी आपको ऐसे भी पता लगा सकते हैं कि अगर कम नंबर का है तो मतलब उसमें प्रैक्टिकल होगा। और जब भी आप कॉलेज में जाइए तो उन टीचरों से बात कीजिए, कौन टीचर से, जो आपके सब्जेक्ट वाले टीचर हैं। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता है कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो कौन है, हमारा टीचर हमारा सब्जेक्ट कौन है, उनको पता नहीं होता है। और इंटरव्यू में ये भी सवाल पूछ दिया जाता है कि जिस समय आप पढ़ रहे थे उस समय आपके प्रिंसिपल कौन थे, आपके विषय के टीचर कौन थे, वो टीचर तक उन लोगों को पता नहीं होता है। तो देखिए जब आप कॉलेज में फॉर्म भरने जाते हैं ना तो उस समय आप पता कीजिए कि हाँ हमारे टीचर कौन है, उनसे बात कीजिए कि हाँ ये ऐसा विषय है, कैसे प्रैक्टिकल को कॉपी बनाना है, क्या करना है, कैसे एग्जाम देना है, वो सब बताते हैं ये ऐसे एग्जाम देना है। और जो जो भी समस्याएं होती है उनसे बात करने से ही समस्याएं सुलझती है। तो आप टीचर से देखिए, बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको आज तक पता नहीं होता है कि टीचर कौन है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये इन विषय में प्रैक्टिकल होता है तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा। आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें लगता है समझ में आ गया होगा।